पिपराई थाना क्षेत्र के ग्राम जंगल छत्रधारी टोला शाहपुर प्राथमिक विद्यालय के पास नाले के किनारे 40 वर्षीय अज्ञात महिला का शव मिला है। महिला का शव देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि 3 से 4 दिन पहले हत्या कर लाश झाड़ी में छिपाई गई थी। शव से दुर्गंध आने पर ग्रामीणों को जानकारी हुई। ग्रामीणों के अनुसार महिला के शरीर पर फफोले इस तरह दिख रहे थे जैसे किसी ने जिंदा जलाकर मौत के घाट उतारा हो। उसके बाद लाश को किसी जालीदार कपड़े में बांधकर फेंका गया था। दुर्गंध फैलने से ग्रामीणों ने शुक्रवार सुबह पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे और पिपराइज के थाना अध्यक्ष दिनेश कुमार मिश्र ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस संबंध में एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने बताया कि किसी अन्य जगह से हत्या कर फेंका गया शव प्रतीत हो रहा है। उन्होंने बताया कि महिला के शव पर फफोले होने से चोट के निशान का पता नहीं चल पा रहा है। शिनाख्त और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कुछ स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। आगे मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ अरविंद पांडे ने कहा, थाना पिपराइज में जंगल छत्रधारी टोला शाहपुर में नाले के किनारे एक महिला की लाश मिली है। प्रथम दृष्टया ये लाश 2-3 दिन पुरानी लग रही है। पुलिस द्वारा मृत्यु का कारण जानने के लिए पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। मुकदमा दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।